सो वेलकम अगेन फ्रेंड्स इन योर चैनल ऋतिक शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हमारा मास्टर सीरीज ऑफ केमिस्ट्री जो चला रखी है मैंने, उसका पार्ट सेकंड है। मैंने इससे पहले एक पार्ट फर्स्ट भी डाला हुआ है, तो उसमें मैंने एमसीक्यूज जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स नेट जी मेंस महावीर डिस्कस किए हैं, तो एक बार ही आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है ऑन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यू है, देखिए ये एसिटिक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाई जाती है, ए बनता है, फिर उसकी PCl5 से करवाई जाती है, बी बनता है और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में सी बनता है। आपको ए बी सी आइडेंटिफाई करना है तो नोटबुक लेके बैठ जाइए, एक बार करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर मैं करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ए तो आपका बन गया क्या, इथेनॉल। फिर इसकी रिएक्शन करवाई आपने PCl5 से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये Cl को अटैच करेगा और OH बॉन्ड को हटा देगा। याद रखना, चाहे PCl5 हो, PCl3 हो, SOCl2 हो, इनकी डायरेक्ट ट्रिक ये होती है कि OH बॉन्ड को उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो OH जो है उसको ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2, यानी एल्किल क्लोराइड, एथिनिल क्लोराइड बन गया। अब इसकी आपने रिएक्शन करवा दी एल्कोहल एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये जो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करता है, यानी कि एक तो हाइड्रोजन को हटाएगा, एक हैलोजन को हटाएगा। तो देखिए इस पे तो हैलोजन को ले लेगा और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ CH2 और एक H इधर ले लेता हूँ, तो ये एक तो हाइड्रोजन को हटा देगा और एक हैलोजन को हटा देगा, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया, HCl बाहर चला गया, इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री रह जाएगी, तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, एथीन, यानी सी आपका क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड हो जाएगा, और जो ए था आपका वो क्या हो जाएगा, ये है एथेनॉल, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट MCQ है, नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपसे हो गया तो +4 दीजिए, अदरवाइज -1 दीजिए, और आपके जो मार्क्स आते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अब हम नेक्स्ट MCQ देखते हैं। सो सेकेंड MCQ इज टोलुइन इज रिएक्ट विथ KMnO फॉर्म एंड फॉर्म ए, देन इट विल रिएक्ट विथ सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 फॉर्म बी, एंड आफ्टर दैट इट विल रिएक्ट विथ लिंडलार्ड कैटलिस्ट H2PDBS4 इज लिंडलार्ड कैटलिस्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ सी विल अकर। तो आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें ए बी और सी जो हैं वो क्या हो रहे हैं, क्या बनेंगे। तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो बंद करके एक बार सो पॉज करके ट्राई कर लिया आपने, तो ठीक है मैं बताता हूँ। जब टोलुइन की रिएक्शन KMnO4 से करोगे, तो मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखा है कि ट्रिक्स फॉर KMnO4 करके, वो आप देख सकते हैं। उसमें क्या करता है, ये CH3 को कन्वर्ट कर देगा CWH के अंदर। अब मैं आपको उतना नहीं समझा सकता, उसके लिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एनीवन किसी भी टाइप की रिएक्शन हो आप KMnO4 की उस वीडियो के थ्रू कर पाएंगे। तो ये बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है सल्फोनिल क्लोराइड से। मैंने अभी बताया था PCl5 हो, PCl3 हो या SOCl2 हो, ये सब OH बॉन्ड को ख़त्म कर देते हैं और Cl का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो सेम वही करना है, CO Cl बन जाएगा, यहाँ पे OH को हटा के Cl लगा दिया। देन फिर इसकी रिएक्शन हो रही है लिंडलार्ड कैटलिस्ट से, हाइड्रोजन प्लेटिनम BaSO4। अब आप ये याद रखो, इसका वैसे तो अलग होता है मैटर, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे को। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि एक रिडक्शन करने वाला एजेंट है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, तो ये क्या करेगा, इसको एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे CHO बन जाएगा, यानी कि क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए, और इसको अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप राइट कर सकते हैं, लिख लिया आपने, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये थर्ड MCQ है, इसमें ये क्या है, साथिया टाइप दिख रहा है ना, तो इस पर मैंने 4 CWH ग्रुप अटैच कर दिए हैं, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई है AgOHBr2। ये कौन सा रिएजेंट है, ये होता है हंस डी कर रिएजेंट। अब तो मैंने आपको ये भी बता दिया, आप बताइए ये क्या बनेगा। सो ठीक है, अगर आपने कर लिया तो आपको +4 अदरवाइज -1 करना है, और ट्रू मार्किंग करनी है, बिल्कुल एकदम एग्जामिनेशन की तरह। तो ठीक है, आगे देखते हैं।
मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट वन, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट टू करके, वहाँ से भी आप इसके मैकेनिज्म को आसानी समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊँगा। तो देखिए क्या होता है कि इस रिएक्शन के अंदर, मोस्टली का रिएक्शन के अंदर फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो फ्री रेडिकल जनरेट होने से देखो क्या होगा कि जो है ये सी डब्ल्यू एच ग्रुप हैं, ये चारों हट जाएंगे यहाँ से। मैं अब आपको आंसर बता रहा हूँ। तो ये क्या है, हटेंगे। अब ये ग्रुप्स जैसे ही हटेंगे, वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से मैंने इन ग्रुप्स को हटा दिया, फ्री रेडिकल बन जाएगा। एक तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाएगा, इसी तरह यहाँ जनरेट हो जाएगा, एक यहाँ जनरेट हो जाएगा। ये मैंने आपको दूर दूर करके बता रखे हैं, ठीक है ना। तो सपोज करो ये कोई कार्बन एटम है, 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 दोनों पे फ्री रेडिकल है। तो ये यहाँ से ऐसे अटैच हो जाएंगे, ये यहाँ से ऐसे अटैच हो जाएंगे। यानी कि क्या स्ट्रक्चर बनेगी इस कंपाउंड का, फॉर्मेशन होगा। कौन सा कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो तीसरा एमसीक्यू हो गया, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका जो फोर्थ एमसीक्यू है वो ये है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन पहले आप SOCl2 से कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड, फिर आप करवाएंगे CH3N2 से, यानी कि थायोमेथेन से, फिर आप Ag2O से करवाएंगे, फिर इसका हाइड्रोजनिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ए बताइए क्या होगा। चलो, अगर आपने कर लिया तो आपको 4 मार्क, अदरवाइज आप -1 देंगे अपने आपको। ट्रू मार्किंग करेंगे, मेरे को कमेंट के थ्रू बताएंगे, फिर मैं सजेशन दूंगा। तो ये देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इसके लिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट डाल रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट वन पार्ट टू, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे होमोलोगस होमोलोगस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब मैं इसमें मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, और मैकेनिज्म मैं अपनी बता चुका हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो डाल रखी है, उन्हें आप देख लीजिए, उनसे आपकी मैकेनिज्म के थ्रू बता रखा है कि इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, फिर इससे इससे, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। और अदरवाइज अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट एमसीक्यू लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, होमोलोगस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। होमोलोगस का मतलब, जैसे सपोज करो कि CH3COOH है, यानी कि एसिटिक एसिड है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन इन चारों रिएजेंट से करवा दी तो क्या बनेगा, CH3CH2COOH, यानी कि एक CH2 ग्रुप अंदर आ गया। कहने का मतलब, होमोलोगस का मतलब, जैसे कि मेथेन का होमोलोगस क्या होगा, एथेन, एथेन का क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन का क्या होगा, ब्यूटेन, यानी कि एक CH2 का अंतर आता चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ए, वो क्या होगा, RCH2 और COOH, यानी कि बस इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एक CH2 का एडिशन और हो जाता है। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरडेक्ट। देखिए आप ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन को बोलते हैं अरडेक्ट, अरडेक्ट एस्टर रिएक्शन, एस्टर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ एमसीक्यू भी हो गया है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। अभी मोर भी एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, लेकिन आप क्या है, फिर बाद में चले जाते हो और वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैंने बहुत सी जो अभी इस सीरीज़ के ऊपर कंटिन्यू मैं रोज़ वीडियो डाला करूंगा, तो आपको क्या है कि एक तरीके से पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। जैसे मैं आज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पे हर टाइप के जो मेरे को बढ़िया क्वेश्चन लगेंगे वो डिस्कस कर लूँगा। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर रखना है ना याद। सो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो कुछ ये होगा। तो देखिए, इसमें क्या है कि सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन CO2 से करवाई जाती है, तो ए बनता है। फिर इसका एसिटाइलेशन करवाया जाता है तो बी बनता है। आपको ए और बी बताना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और करने के लिए ट्राई कीजिए। सो गाइस, क्या रहा आपका आंसर, सही हुआ? अगर सही है तो 4+4 देना है आपको। तो ठीक है, अब हम आप आगे इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, सोडियम फिनोक्साइड में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, सोडियम को रिलीज़ करके ऑक्सीजन फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, इससे क्या बनेगा ज़रा देखना। ये दो डबल बॉन्ड तो ऐसे कैसे मेंटेन रहेंगे, यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है CO2 से। देखो, मैं CO2 को इस तरह से लिख सकता हूँ ना, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक करेगा यहाँ पे,
तो देखो क्या फॉर्मेशन होगा। ये देखो ये डबल बॉन्ड तो यूं क्यों रह जाएंगे, यहाँ से सी, अब एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा यानी माइनस चार्ज ले लेगा और एक डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए होंगे तो नेगेटिव चार्ज लेके आए थे, यानी यहाँ पे क्या छोड़ के गए थे, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, यानी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को वापस यहाँ ले लूँ और इसके इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ दे दूँ, तो क्या होगा देखो। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैं राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है, समझने की कोशिश करना है। तो ये दो डबल बॉन्ड तो यूं क्यों रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस रहेगा। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली कार्बन की तरह, तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, पता है आपको। अब ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ है एच प्लस की फॉर्म में रिलीज होगा, तो ये इस पर अटैक कर देगा इसके नेगेटिव चार्ज पर और क्या बना देगा, OH का फॉर्मेशन कर देगा। सोल्यूशन में हम वोटर तो लेंगे क्योंकि ये रिएक्शन किसी ना किसी टेस्ट ट्यूब पे होगी, बोर्ड पे तो हो नहीं रही है, बोर्ड पे तो आपको समझाया जा रहा है, तो यानी इस पर वोटर भी प्रेजेंट होगा, तो वोटर से क्या कर लेगा, एच प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा और किस में बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब फर्दर ये आपका ए बन गया सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन रिएक्शन करवानी है, तो आप ए को नोट कीजिए, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सैलिसिलिक एसिड है, अब इसकी बी वाला रिएक्शन करना है हमको। एसिटो ग्रुप क्या होता है, एसिटाइलेशन हो रहा है, तो एसिटो ग्रुप क्या होता है, CH3CO, इसको बोलते हैं एसिटो ग्रुप। तो ये बोल रहा है इसका तो आप कर दो ट्वाइस और यहाँ कर दो आप ऑक्सीजन, ठीक है, सब कर दिया। एक बार बताओ, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक बात बताओ, ये जो है ये दो ग्रुप्स होंगे, है कि नहीं, मेरे दो ग्रुप्स कहने का मतलब है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3CO, फिर बीच में ऑक्सीजन ये वाला, और फिर वापस से लिख सकता हूँ CO CH3। तो ये एक जो पार्ट होगा वो किस फॉर्म में ब्रेक होगा, इससे ये ब्रेक होगा CH3CO ऑक्सीजन पे माइनस, ये माइनस इस एच प्लस को लेके निकल जाएगा, यानी यहाँ से क्या रिलीज हो गया, एक तो रिलीज हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड का रिलीज हो गया, वहाँ पे क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन, उस फिनोक्साइड आयन से ये जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से देखिए आप, यहाँ पे ये तो था ही, यहाँ पे बेंजोइक एसिड था, ठीक है। अब इस पे जो है देखिए, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये उससे जाके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3, यानी ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, ROCOR, ये क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R, एस्टर होता है, यानी कि एराइल एलाइल एस्टर। तो एसिडिफिकेशन से आपका B जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमने अब एक नेक्स्ट MCQ देखते हैं।